एक जादूगर किसी बंदे नूं वस विच कर सकदा कि नहीं कर सकदा। एक कोई बंदा है, कोई मैजिशियन है, कोई माइंड रीडर है, वो किसी नूं हिप्नोटाइज कर सकदा कि नहीं कर सकदा। इहदा जवाब है कि हाँ, वो हिप्नोटाइज कर सकता है। हिप्नोटाइज करके मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम है तुहाडे तों करवा सकता है, एंड दैट इज द रियल ट्रूथ। काफ़ी सारे इदां दे मैजिशियंस है जिहड़े इस चीज़ नूं गलत पोर्ट्रे करते हैं, एक जादू दिखा के इदां चीज़ां करते हैं, हालांकि है यह एक कला। सो देखते हैं अज्ज दी वीडियो दे विच, एक रशियन मैजिशियन है कोई, वो कह रही है कि वो मुस्लिम्स नूं हिप्नोटाइज नहीं कर सकती, मतलब कि उन्होंने वस च नहीं कर सकती, ओनली मुस्लिम्स, बाकी सब नूं दुनिया चो कर सकते हैं लेकिन नॉट मुस्लिम्स। वाई अच देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जादू करने और इसे करवाने वाला शख्स अगर दोनों मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिर्क है। और शिर्क इसलिए कि जादू के अंदर अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है, और बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नज़र आता है जो कि जादूगर इनसे जिन्नात की मदद से किसी शख्स के दिमाग पर कब्जा करके इसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नज़र का धोखा होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है, जब फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली तो वो वहां मौजूद दरबार के अंदर सब लोगों को जादू की मदद से सांप नजर आने लगी, मगर असल में वो रस्सियां ही थी। इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बड़ा अफ्ताहा बनकर इन सांपों को निगल गया, जो कि असल में मौजा था, ना कि कोई जादू। क्योंकि जादू तो सिर्फ नज़र का धोखा होता है, जबकि ये असदहा हकीकत के अंदर वही असदहा के अंदर बदला था, ना कि किसी नज़र के धोखे से। और यही वजह थी कि वहाँ मौजूद जादूगर जो कि अपने हुनर के अंदर माहिर थे, ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मौजा है, और इसीलिए ईमान ले आए, क्योंकि जाहिर है वो अपने हुनर में माहिर थे इसीलिए इस बात को समझ गए। ये बात आपने वीडियो के आखिर तक माइंड में रखनी है। रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है, वो अपने इस काम में माहिर है। जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हो, या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा रابطے के अंदर रहते हैं, इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूँ, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है, और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि एक पाक जिस्म के अंदर मेरे भेजे हुए खबीफ जिन्नात या शयातीन इस जिस्म पर हमला कर सकें। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore. And this egregore protects them very well. वो कह रही है कि मुस्लिम से जेडे 5 टाइम डेली नमाज पढ़ते हैं, खुदा दे बहुत नेड़े है, लेकिन जो होर लोग है, क्रिश्चियंस है जां होर किसी धर्म की, उन्होंने गल की थी कि वो 5 सालों कदे एक बारी अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स वाई उन्होंने जरा काबू करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होंगे। हमेशा एग्रीगोर से रबते में रहते हैं। एग्रीगोर ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी खुदा की ज़ात। इसका मजीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से रबते में रहते हैं तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहां पर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुँचाते रहते हैं, और बदले में इनका खुदा ना सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है, इसीलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? इसका जवाब था कि जाहिर है कि मेरे लिए तो नहीं, पर इनके लिए हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज़ मुझे बाहर लाकर फेंक देती है।
मैं किसी भी शख्स को इमेजिन या तस्वूर करके शयातीन की मदद से इसके दिमाग पर कब्जा कर सकती हूँ, मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है उसका तस्वूर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि कैसे, और ये बात साबित करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है। इंटरव्यूअर ने कहा कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के केस में ही होता है? इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, किसी मुसलमान के नहीं। जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और जो भी अल्लाह की इबादत करके इसका कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देता है, और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता है जो कि शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं, तो गैर मुस्लिम और एथियस्ट ये सवाल करते हैं कि साइंस क्योंकि इन चीज़ों का फिजिकल वजूद साबित नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। ये वो कम अक्ल लोग हैं जो कि मानते हैं कि इनका फिजिकल जिस्म मौजूद है, पर इसके साथ साथ इनका कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो कि जिस्म को चला रहा है, यानी कि रूह। ये मानते हैं कि इनका दिमाग तो मौजूद है, पर इसके साथ साथ इस दिमाग के अंदर सोच भी मौजूद है, इसे हम देख नहीं सकते। ये मानते हैं कि ग्रेविटी भी मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या रेडिएशन वगैरह सब मौजूद हैं जो कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, पर इन्हें इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं। ये मानते हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा, जेलसी, खुशी, ये सब फीलिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना ही साबित करना मुमकिन है, लेकिन फिर भी इन सब अनदेखी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। सिर्फ यकीन नहीं करते तो सिर्फ उन बातों पर जो कि कुरान में या इस्लामी तालीमात के अंदर बयान की गई हैं। इससे बड़ी मुनाफ़कत भला क्या हो सकती है, क्योंकि अगर इनका स्टैंडर्ड एक ही है तो इन सब ना नजर आने वाली चीज़ों का फिजिकल वजूद पहले साबित करें और उसके बाद उस पर यकीन रखें। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कुछ मेटाफिजिकल कानून ऐसे रखे हैं जिन्हें ना इंसानी आंखें देख सकती हैं और ना ही इंसानी दिमाग समझ सकते हैं। अपनी फील्ड में माहिर शख्स ही अपने प्रोफेशन के बारे में हकीकत बयान कर सकता है, तो क्या इस रशियन जादूगरनी का इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों फ़र्ज की गई? क्या इसलिए नहीं कि इंसान अपने खालिक के मजीद करीब हो सके, और ये नमाज इंसान को बेहयाई, बुराई से रोके, और शैतानों से जो कि गुनाहों के लिए इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं इनसे बचा कर रखे? अब सवाल ये भी है कि अगर अल्लाह चाहता तो बिना किसी नमाज के भी अपने मानने वाले बंदों को इन शैतानों से बचा सकता था, तो फिर नमाज क्यों फ़र्ज की गई? तो इसका जवाब हमें सूरह हिजर की आयत 39 के अंदर मिलता है कि जब शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया और इसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन के लोगों के लिए गुनाहों को इनकी नज़रों में आरास्ता करके दिखाऊँगा और इन सबको बहकाऊँगा, लेकिन इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू पाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। क्या ये कुरान के वही अल्फाज नहीं जो कि ये जादूगरनी अपने इंटरव्यू में दोहरा रही है? इसके बाद अल्लाह पाक मजीद फरमाता है कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है, जो मेरे मुखलिस नेक बंदे हैं इन पर तुझे कोई इख्तियार नहीं कि तू इनको गुनाहों में डाल सके, हाँ मगर गुमराहों में से लोग तेरे पीछे चल पड़ेंगे और इन सबके वादे की जगह जहन्नुम है। यानी शैतान का ये वादा था कि वो इंसानों को क्यामत तक अपनी शैतानी फौज से बहकाएगा, और इसके बहकावे में वही शख्स आएगा जो कि नापाकी, बेहयाई और गुनाहों में डूबा रहेगा, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। क्योंकि इस जादूगरनी ने भी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी नाम के नहीं बल्कि दीन पर अमल करने वाले मुसलमान इससे बचे रहते हैं। कुरान करीम में एक बार नहीं बल्कि इसी से मिलते जुलते अल्फाज सूरह अल आराफ की आयत 14 के अंदर कुछ इस तरह से बयान होते हैं कि इसने, यानी शैतान ने, अल्लाह से कहा कि मुझे उस दिन तक की मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, यानी क्यामत तक। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा जा, तुझको मोहलत दी। फिर शैतान ने कहा कि तूने तो मुझे मालूम किया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इन लोगों को भी गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से, पीछे से, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, यानी चारों तरफ से इन पर हमला करता रहूंगा, और तू इनमें से ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, यानी ज़्यादातर लोग गुमराह हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आसान अल्फाज के अंदर और खोल खोल कर अल्लाह की ज़ात इंसानों को वार्निंग देकर और भला कैसे समझाए? और अगर अब भी हम लोग ना समझें तो गलती किसकी है, अल्लाह की या हमारी? एक बार सोचिएगा ज़रूर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। एक मुस्लिम दे लई अज दी वीडियो एक 2-2.5 घंटे दा किसी मौलाना दे वल्लों चलिया होया सैशन उहदे बराबर सी, आई थिंक। एंड जिन्ने भी मुस्लिम वीर, मुस्लिम भाईचारे तो जिन्ने भी लोग मेरी इस वीडियो नूं देख रहे हैं, तुहानूं सारयां नूं कमेंट करना चाहिए, वी प्राउड टू बी या मुस्लिम। किन्नी सोहणियां गल्लां इन्हां ने कीतियां यार।
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਜਾਦੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੋਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਲੈਕ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸਸ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲਾਈਕ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫੋਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਬੀਲੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਈ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਨਾਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ